हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिजवान। आप देख रहे हैं मोटो टॉक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इस चैनल में कोई भी जो बाइक लॉन्च होने वाली है या कोई कंपनी किसी बाइक के ऊपर काम कर रही है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में डालता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना जिन लोगों को इन सब में इंटरेस्टेड है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, और वीडियो की स्किप मत करना, पूरा देखिएगा, क्योंकि स्किप करेगा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिस हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो तो आपको थंबनेल दिखा पता ही चल गया होगा कि 2019 बजाज डोमिनर के बारे में है। तो बजाज डोमिनर में जो जो ऑब्जेक्शन थी कस्टमर को कंपनी से बाइक के लिए, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बहुत सारा कुछ मतलब चेंजेस किए हुए हैं बाइक में। तो मैं स्टार्टिंग से मतलब शुरू करना चाहूँगा कि अपसाइड डाउन फोक दिए है कंपनी ने। पहले जो आता था वो टेलीस्कोप होकर था, और अपसाइड डाउन फोक की वजह से जो फ्रंट डिस्क है उसका पोजीशन चेंज हो गया, राइट साइड से हो गया लेफ्ट साइड में हो गया है, और एग्जॉस्ट भी चेंज हुआ है। एग्जॉस्ट जैसे इंट्रूडर जिक्सर और आरटीआर में जैसे आता है वैसे एग्जॉस्ट दिखने में आ रहा है। और पहले जो एग्जॉस्ट में कैथलेटिक कन्वर्टर होता था मतलब बाइक के नीचे लगा हुआ, तो वो कैथलेटिक कन्वर्टर हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें उससे क्या होता था कि ट्रावल क्लियरेंस जो है वो कम हो जाती थी बाइक की, तो इसीलिए कैथलेटिक कन्वर्टर जो है कि कंपनी ने हटा दिया है। और इससे साउंड भी थोड़ा सा लाउड हो गया है बाइक का। और ABS तो आएगी एज स्टैंडर्ड, पहले नॉन ABS भी वेरिएंट था डोमिनर का, तो अभी सिर्फ ABS ही आएगी। और इसमें राइड बाय वायर जैसे KTM के बाइक्स में आता है 390 में, वैसे ही राइड बाय वायर आने के चांसेस है। और ये बाइक की सिर्फ दो कलर तीन कलर अभी तक दिखे गए हैं, एक ग्रीन, एक वाइट और एक रेड, आप लोग देख सकते हैं। और बाइक तो दिखने में बिल्कुल सेम है, बस एक कुछ चेंजेस है। माना बोला जा रहा है कि पीछे का जो टायर है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है 2019 में, तो देखते क्या होता है। और मेन जो चेंजेस किए हुए हैं उसके कंसोल में, तो कंसोल जो है वो पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि KTM Duke की तरह ही TFT आएगा, बट TFT नहीं आएगा, वैसे ही आएगा। सिर्फ जो टैंक के ऊपर छोटा वाला कंसोल था उसमें चेंजेस किए गए हैं। वहाँ पे पहले जो सब मतलब बैटरी ABS ये सब साइन दिख रहा था, उसके जगह यहाँ पर गियर पोजिशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, रिपीटर और टाइम का मीटर दे दिया हुआ है वहाँ पे। और जो मेन कंसोल है वहाँ पे पहले की तरह ही RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल, और जो पहले पोजीशन था ओडोमीटर का वहाँ पे साइड स्टैंड डाउन का साइन दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि एक 400 की बाइक में गियर पोजीशन इंडिकेटर बहुत ही ज़रूरत था, और कस्टमर्स ने बहुत ही मतलब ऑब्जेक्शन किया था इसकी वजह से कंपनी ने दिया हुआ है। और रियर का जो मतलब मानगढ़ है वो उसको भी रियर का मतलब जो टेल है उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, शायद ये भी कोई मतलब ऑब्जेक्शन के अंदर ही था। तो बाइक ओवरऑल देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ लुक में चेंजेस नहीं है, बस जो काम की चेंजेस ही हुई है मतलब, और भी मतलब साउंड और परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है। और इंजन की बात करो तो इंजन वही सेम ही रहने वाला है, कोई भी मतलब ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, सिर्फ राइड बाय वायर शायद यहाँ पर होने वाला है। और राइड बाय वायर से आप लोगों का टॉप स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो एक्सलरेशन है उसमें ही फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाइक जो लॉन्च होगी वो मिड फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग में ही बाइक लॉन्च हो जाएगी, और बुकिंग भी स्टार्टिंग होने ही वाला है। कुछ कुछ डीलरशिप्स में तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, सिलेक्टेड जो डीलरशिप्स है उसमें बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो जो जो भाई मतलब डोमिनर लेने वाला जो वो थोड़ा ठहर जाए और 2019 वाला चला के देखे। और हाँ, और एक जो अपडेट है वो है मतलब इसका जो
मिरर्स थे उसका कुछ डिज़ाइन चेंज हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये भी कुछ प्रीमियम लुक देता है बाइक को, और ये सब देखने के बाद मतलब बाइक का ओवरऑल प्राइस थोड़ा सा बनने वाला है, 2 लाख के करीब चले जाने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, कहीं नहीं ज़्यादा दिन और है नहीं बाइक लॉन्च होने में, तो देखते हैं क्या होता है प्राइसिंग और बाइक का परफॉर्मेंस ओवरऑल और टेस्ट राइड लेके देखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा होता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।